हमको लगता है कि ये ताड़ी खाने का गप है। जैसे तो यहाँ पर चाय है, लेकिन फिर भी इस तरह का गप कोई करता है। पूरे आज़ादी से लेकर अभी तक पूरे भारतवर्ष का जनता ने कांग्रेस को बनाया था, और कांग्रेस ही पूरे जनता को, सब जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग लेके आगे बढ़ने का काम किया, ये इतिहास। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बिहार विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है, और हमारे साथ हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। वोट देकर के निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव है। भारत देश में हमारे राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होते हैं, प्रथम व्यक्ति होते हैं, और देश को हम चाहेंगे कि एकजुट रह के, जिस तरह से अभी देश को बांटने का काम हो रहा है, मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष एकजुट रहे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी एकजुट रह के भारत को विकास के एक नई रास्ते पर ले जाने का काम करें। इसलिए मैं वोट दे के आया हूं, और बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अच्छे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आपने अंतरात्मा की बात कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर के वोट करें, क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग करेंगे? अंतरात्मा क्या होता मैं नहीं समझा। राष्ट्रपति का उम्मीदवार दो है, एक पक्ष से सरकार के द्वारा दिया गया, एक विपक्ष से दिया गया है। विपक्ष में लोग, हम उम्मीद करते हैं कि सारे विपक्ष के लोग विपक्ष को वोट, विपक्ष के कैंडिडेट को वोट देंगे, जसवंत सिन्हा जी को। सत्ता पक्ष के लोग मुर्मू जी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर अंतरात्मा कोई बात नहीं होती है, देश के लिए जो अच्छा होगा, मैं आग्रह करूंगा सभी विधायकों, सभी सांसदों से उसको वोट देकर जिताइए और भारत को बचा लेने का काम करिए। विपक्ष ने कहा कि रबड़ और मोती नहीं चाहिए, राष्ट्रपति बोलने वाला चाहिए। नहीं देखिए, राष्ट्रपति तो बहुत ही, कहा तो प्रथम व्यक्ति होते हैं, अब वो क्या कहते नहीं कहते, मैं तो चाहूँगा, दो ही उम्मीदवार हैं आपके बीच मैदान में, तो दोनों में किसी, दोनों ही कोई एक जीतेगा। इसलिए हम लोग के विपक्ष का जो उम्मीदवार है, हम चाहेंगे वो जीते और देश को एक नई दिशा देने का काम करें। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विधायकों की टूट हो रही है, अन्य दल में शामिल हो रहे हैं, और एक विधायक नहीं 14-15 विधायकों की चर्चा हो रही है, क्या बात, कितनी सच्चाई है इस बात में? हमको लगता है कि ये ताड़ी खाने का गप है। जैसे तो यहाँ पर ड्राई है, लेकिन फिर भी इस तरह का गप कोई करता है। पूरे आज़ादी से लेकर अभी तक पूरे भारतवर्ष का जनता ने कांग्रेस को बनाया था, और कांग्रेस ही पूरे जनता को, सब जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग लेकर आगे बढ़ने का काम किया, ये इतिहास बताता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कभी टूटेगी नहीं, वो सिद्धांत और विचारधारा पर है, और भारत को एक साथ जोड़ के चलने का विचारधारा रखती है और आगे भी रहेगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि PFI पर बैन लगनी चाहिए। सर, आज तो राष्ट्रपति की चुनाव की बात कीजिए, वो किस पर बैन किए, वो इंडिविजुअल उनका मामला है। पहले देश को एक जोड़ के देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जो 2014 से जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों, बच्चे बच्चे, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस में जिस तरह से टूट की बात कही जा रही है, तो हम लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम लोगों ने कांग्रेस को मजबूती दिलाने का काम किया है, ऐसे में कांग्रेस में कोई टूट नहीं होने जा रही है, और ये जो लोग बयान दे रहे हैं ये मिथ्या है और ये कहीं से उचित नहीं है। आज फिलहाल में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो है वोटिंग हो रहा है बिहार विधानसभा में, जो भी विधायक हैं जो अपना वोट देने पहुंच रहे हैं, और वोट देने के बाद में अजीत शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि लोकतंत्र को बचाने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग यशवंत सिन्हा को वोट करें। इस पर बस इतना ही, बने रहिए निष्पक्षण के साथ, धन्यवाद।